हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, अमित शाह बोले झूठ फैलाने वाले देश से माफी मांगे। जी हां दोस्तों, राफेल डील पर मोदी सरकार को घेरने वालों को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि जिन लोगों ने राष्ट्रहित को दरकिनार कर अपने राजनीतिक फायदे के लिए झूठा दुष्प्रचार किया, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों गृह मंत्री ने कहा कि आधारहीन और द्वेषपूर्ण प्रचार करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला करारा जवाब है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुनर्विचार याचिकाएं खारिज, राहुल गांधी का माफीनामा मंजूर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में फैसला सुनाते हुए पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सीबीआई जांच से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दोस्तों इस केस से जुड़े राहुल गांधी के मामले में भी कोर्ट ने उनका माफीनामा मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी का अवमानना मामला भी बंद हो गया। इस तरह राहुल गांधी को भी बड़ी राहत मिल गई है। दोस्तों कोर्ट ने राहुल गांधी से माफी मांगने का जिक्र करते हुए अवमानना का केस चलाने से मना किया। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी में बड़ा पद संभालते हैं, उन्हें बयान देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। इमरान खान के गले की फांस बने हुए हैं मौलाना, पाकिस्तान की सड़कों पर उतर आया हुजूम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विपक्षी दल जमीयत उलेमा इस्लाम एफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग के साथ गुरुवार को देश के कई महत्वपूर्ण राजमार्गों व अन्य सड़कों को बाधित कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में JUIF ने बुधवार को इस्लामाबाद में 13 दिन से चल रहे धरने को समाप्त कर आंदोलन के प्लान बी पर अमल शुरू करने का ऐलान किया था। इसी के तहत पार्टी समर्थक गुरुवार को सड़कों पर उतर आए। JUIF सदस्यों के आंदोलन का सर्वाधिक असर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में देखने को मिल रहा है, जहां के कई राजमार्गों को बाधित कर दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस आंदोलन का प्रमुख मकसद इमरान खान से इस्तीफा दिलवाना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। झारखंड में भाजपा और आजसू का गठबंधन टूटा, आजसू के रुख से अमित शाह है नाराज। जी हां दोस्तों, झारखंड में बीजेपी आजसू का गठबंधन टूट गया है। सीट शेयरिंग के पेच में फंसकर दोनों पार्टियों के बीच का ये गठबंधन टूटा है। दरअसल दोस्तों आजसू 17 सीटों पर अड़ी थी, लेकिन बीजेपी उसे 10 से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। दिल्ली में गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक अमित शाह आजसू के पल पल बदलते रुख से नाराज थे। यानी कि दोस्तों झारखंड में अब भाजपा का गठबंधन टूट गया है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। LOC पर जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, खरीदी लाखों राइफलें, सीमा पर खड़ी की तोपें भी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर सरहद पर सरगर्मी तेज कर रहा है, अपने तोपखाने को सीमा के और करीब नई जगहों पर तैनात कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरहद के पास पाकिस्तान ने 105 मिमी तोपों वाली 4 रेजिमेंट और 155 मिमी तोपों वाली 6 रेजिमेंट सरहद के करीब ला दी है और इन्हें नई जगहों पर तैनात किया जा रहा है, ताकि भारतीय इलाकों पर ज्यादा कारगर तरीके से गोलीबारी की जा सके। हाल ही के दिनों में दोस्तों भारतीय सेना के तोपखाने ने न केवल पाकिस्तानी सेना की कई पोस्ट तबाह की थी, बल्कि आतंकवादी कैंपों को भी निशाना बनाया था। इन्हीं सब चीजों को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान ने सरहद के पास अपनी सेना की तैनाती भी बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों की तादाद 90,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने विशेष दस्ते यानी कि स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG के 2,000 कमांडो भी तैनात कर दिए हैं।
हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में शिवसेना कट्टर हिंदुत्व की छवि छोड़े, धर्मनिरपेक्षता पर भरोसा चाहती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता पर शिवसेना से वादा चाहती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस शिवसेना से कट्टर हिंदुत्व की छवि के बजाय सॉफ्ट हिंदुत्व पर आने का वादा चाहती है। इस बीच 17 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें शिवसेना के साथ जाने के लिए शर्तों पर चर्चा होगी। उसके बाद कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के सीनियर नेताओं की मुलाकात होगी, जिसमें सरकार बनाने और धर्मनिरपेक्षता पर शिवसेना से प्रतिबद्धता की बात होगी। सूत्रों के मुताबिक अगर शिवसेना कमिटमेंट करती है तभी महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, अन्यथा शिवसेना को कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन कठोर हिंदुत्व का उदाहरण था। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर में और जहरीली हुई हवा, 2 दिन के लिए बंद कर दिए सभी स्कूल कॉलेज। जी हां दोस्तों, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण के चलते हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार से राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 14 और 15 नवंबर के लिए बंद कर दिए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने भी 2 दिन स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली एनसीआर के आसमान में धुंध की चादर लगातार गहराती जा रही है। पिछले 2 दिनों में एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अगले 2 दिन के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है कि जब जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो N95 कैटेगरी का मास्क लगाकर ही निकलें। इसके अलावा अगर आपको खांसी चलती है, सर्दी जुकाम हो जाता है या सीने में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें। इसके बाद दोस्तों रुक करें आज की अगली बड़ी खबर का, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। और दोस्तों साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, पेट्रोल की कीमत में आज फिर आया उछाल, जानिए आज के दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल की कीमत में आज 15 पैसे प्रति लीटर का उछाल आ गया है। साथ ही दोस्तों डीजल की बात करें तो डीजल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹73.45 प्रति लीटर रही, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत ₹65.89 प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, 10 ग्राम सोने की कीमतों में आज हुआ मामूली बदलाव, जान लीजिए आज के दिल्ली सराफा बाजार के भाव। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें बढ़ने का असर घरेलू बाजार पर भी दिखा है। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में मामूली उछाल आया है। दोस्तों बात करें आज सोने और चांदी की कीमतों की, दोस्तों आज 10 ग्राम सोने की कीमतें ₹15 बढ़कर ₹38,995 प्रति 10 ग्राम हो गई है। दूसरी ओर दोस्तों बात करें चांदी की, तो चांदी ₹50 तेज होकर ₹45,676 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, भारत के फैसले का असर, पाकिस्तान में ₹300 प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। जी हां दोस्तों, पहले से ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहे पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम में आग लगी हुई है। कभी दूध तो कभी प्याज की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की भोजन की थाली का जायका बिगाड़ दिया है। दोस्तों अब पाकिस्तान में टमाटर के दामों में आग लगी हुई है, यहां टमाटर ₹300 प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। टमाटर की बेहताशा कीमतों को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने ईरान से टमाटर इंपोर्ट करने का फैसला किया है। दोस्तों पाकिस्तानी सरकार ने टमाटर के दाम ₹180 प्रति किलो तय किए हुए हैं, लेकिन यहां टमाटर ₹300 प्रति किलो बिक रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान में खाने पीने के सामानों की कीमतों में तेजी भारत के उस फैसले के बाद से आई है जब भारत ने पाकिस्तान को अपना सामान निर्यात करना
बंद कर दिया था, यानी कि भारत से दुश्मनी पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आम जनता को भी महंगी पड़ी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर, आधार में एड्रेस बदलने और बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए आधार सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। आधार में आप आसानी से अपनी जरूरी जानकारियां अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सरकार प्रयास कर रही है। दोस्तों बुधवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है कि अब आधार में दर्ज पता आसानी से बदला जा सकेगा। अब जो लोग KYC के लिए अपना आधार नंबर दे रहे हैं और पता कोई और देना चाहते हैं जो आधार कार्ड पर लिखे पते से अलग है, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन देकर अपना दूसरा पता दे सकते हैं। इस फैसले से माइग्रेट वर्कर्स को बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब तक माइग्रेट वर्कर्स जहां रहते हैं उन्हें बैंक खाता खोलने में काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि आधार पर पता उनके घर का होता था और काम दूसरे शहर में करते थे। यह बदलाव मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियम में संशोधन के जरिए किया गया है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस शहर का नाम जिसे कि झीलों की नगरी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।